भिंड जिले में एनआईए की टीम ने खरगोन पुलिस टीम के साथ संयुक्त रूप से छापामार कार्रवाई करते हुए एंडोरी थाना क्षेत्र के चक शेरपुर गांव से जितेंद्र सिंह नामक युवक को पकड़ा है। एनआईए की टीम युवक से एंडोरी थाने में पूछताछ कर रही है। जितेंद्र के बैंक खातों की जांच की जा रही है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक बैंक खातों में विदेशी मुद्रा का बड़ा लेन देन होने की सूचना पर एनआईए की टीम पूछताछ करने पहुंची है। एनआईए की टीम पता लगा रही है कि युवक जितेंद्र के बैंक खातों में इतना पैसा कहां से और क्यों आया। वहीं जितेंद्र के पिता का कहना है कि उनका भतीजा विदेश में रहकर नौकरी करता है और वह जितेंद्र के खाते में खर्चे के लिए रुपए भेजता है। भतीजा हमारा विदेश में रहता है, वो भी इसी खाते पैसे डालता है, जैसे खर्चे के लिए डालता रहता है, इसी के खाते में आते जितेंद्र के परिजन भी थाना परिसर में मौजूद है। उन्हें फिलहाल युवक से पूछताछ करने की बात बताई गई है। युवक जितेंद्र सिंह ट्रैक्टर एजेंसी में काम करता है, जबकि उसके पिता नरेंद्र सिंह प्राइवेट बस चालक है। वहीं एनआईए की इस कार्रवाई पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान भी सामने आया है। गृह मंत्री ने भिंड से एक युवक और सेंधवा से एक सिकलीगर के गिरफ्तार होने की बात कही है। फिलहाल एनआईए की 3 सदस्यीय टीम जांच में जुटी है। खातों में कितना और कैसा लेन देन हुआ है, इसका खुलासा एनआईए की जांच के बाद हो सकेगा। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए अमर उजाला ऐप को डाउनलोड करें।